हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ MSI ऐप प्लेयर में ब्लैक स्क्रीन प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल स्टेप है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले जो है आपको विंडोज़ के सर्च बार में टाइप करना है MSI। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं MSI ऐप प्लेयर आपको शो हो रहा है, तो आप इसको राइट क्लिक कीजिए। फिर आपको यहाँ पर ओपन फाइल लोकेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, आपको यहां पर MSI ऐप प्लेयर शो हो रहा है तो आप उसको सेलेक्ट कीजिए। राइट क्लिक कर आपको यहां पर प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आपको यहां पर कंपेटिबिलिटी टैब में आना है और यहां पर इस बॉक्स में आपको चेक करना है, और फिर आपको यहां पर इस बॉक्स में भी चेक करना है रन दिस प्रोग्राम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। फिर अप्लाई के ऊपर क्लिक करके ओके के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप इस विंडो को क्लोज कीजिए। फिर दोस्तों, आपको जो है विंडोज़ 11 की सेटिंग को ओपन कर देना है। विंडोज़ की प्रेस करते हुए आप आई प्रेस कीजिए, विंडोज़ 11 सेटिंग ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको यहां पर डिस्प्ले के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको स्क्रॉल करना है और यहां पर आपको ग्राफिक के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आपको जो है यहाँ पर ऑल ऐप्स जो है शो हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर ब्लू स्टेक ऐप भी शो हो जाएगा और यहाँ पर MSI ऐप प्लेयर भी शो हो जाएगा। तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए, ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको हाई परफॉर्मेंस सेलेक्ट कर देना है इस तरीके से। उसके बाद आप यहाँ पर ओके के ऊपर क्लिक कीजिए। इस तरीके से आपको यहाँ पर ब्लू स्टॉक के ऊपर भी जो है क्लिक कर इसको हाई परफॉर्मेंस में सेलेक्ट करना है। तो मैंने इसको ऑलरेडी हाई परफॉर्मेंस में सेलेक्ट किया है, तो अभी जो है आपको इसको सेटिंग को क्लोज कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आपको जो है MSI ऐप प्लेयर को ओपन करना है। यहाँ पर सर्च में टाइप कीजिए MSI ऐप प्लेयर, फिर आप इसको क्लिक कर ओपन कीजिए। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं MSI ऐप प्लेयर ओपन हो गया है। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर ऐप प्लेयर के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आपको जो है यहाँ पर सेटिंग का आइकन दिख रहा है, आप इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं अबाउट का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको चेक करना है MSI ऐप प्लेयर अप टू डेट है या नहीं। चेक फॉर अपडेट के ऊपर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर ये लेटेस्ट वर्जन है। उसके बाद आपको यहाँ पर MSI ऐप प्लेयर में कुछ सेटिंग्स करना है। यहाँ पर आप हाई सेटिंग्स रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास ये हाई सेटिंग है और यहाँ पर रैम में भी जो है हाई सेलेक्ट है और यहाँ पर परफॉर्मेंस मोड हाई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेम रेट भी यहाँ पर 60 पर है। उसके बाद यहाँ पर डिस्प्ले में आते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप अपने PC के रेजोल्यूशन के हिसाब से यहाँ पर इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, फिर आपको ग्राफिक में आना है और यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस और यहाँ पर OpenGL सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास जो है यहाँ पर AMD Radeon का ग्राफिक कार्ड है, तो यहाँ पर यह ऑलरेडी सेलेक्ट है। फिर यहाँ पर गेम सेटिंग्स में आना है। ओके, उसके बाद दोस्तों, आपको जो है यहाँ पर सेव चेंज के ऊपर क्लिक कर देना है। ये एप्लीकेशन जो है ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, तो अभी मैं यहाँ पर इसको क्लोज कर लेता हूँ। फिर दोस्तों, आपको जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टी इंटेंस मैनेजर का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर इंटेंस के ऊपर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर ये न्यू क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेश इंटेंस के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर इसका जो नेम है यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिए, जैसे कि यहाँ पर आप कौन सा भी वर्जन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको जो है 64 बिट सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा, तो आप जो है प्ले स्टोर में जो है फिर से साइन इन कीजिए। साइन इन कर आप कोई भी गेम को इंस्टॉल कर प्ले कर सकते हैं। फिर अब मैं यहाँ पर इसको क्लोज कर लेता हूँ। तो दोस्तों, बहुत सिंपल है। अगर आपके पास भी जो है MSI ऐप प्लेयर जो है स्टक हो रहा है लोडिंग के टाइम पे, तो इसकी प्रॉब्लम को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक कर देना और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।